नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अनुपात एवं समानुपात, और हमने अनुपात एवं समानुपात में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में देखा था। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी, एक बार वो पिछली क्लास ज़रूर देख ली, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और भी अपन कुछ बेसिक एग्जाम्पल इसके देखते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो, अगर मान लीजिए हमको इस प्रकार से दे रखा हो कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका मान दे रखा हो एक बटे दो अनुपात तीन बटे में चार अनुपात पांच बटे में छ, ये हो तो अपन से, यानी अपन को इस तरीके से दे रखा हूं ए बी और सी, इनका मान ये दे रखा है, तो अपन को ज्ञात करना है। बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे हल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी शुरुआत में, यानी अनुपात जो हमारा होता है उसको हम कभी भी बटे में नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी सबसे पहले इनको लिखेंगे एक बटे दो, फिर इसके बाद में तीन बटे में चार, फिर इसके बाद में है पाँच बटे में छः। अब भाई अनुपात वाली जो संख्या है उसको हम कभी भी बटे में नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो अपन इन सभी का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे किसका, दो का, चार का और छः का। तो देखो, दो और चार का हम एलसीएम लेंगे तो छः में चार का भाग नहीं जाएगा, छः दूनी बारह, बारह में देखो छः का भी जाएगा, चार का भी जाएगा और दो का भी जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया, बारह। यानी इसको भी किससे गुणा करेंगे, बारह से, इसको भी किससे गुणा करेंगे, बारह से, और इसको भी किससे गुणा करेंगे, बारह से। क्लियर है, तो काटेंगे तो देखो दो का भाग गया इसमें छः बार, ये चार से कटेगा बारह तीन बार, ये छः से कटेगा दो बार। क्लियर है, इसको हल करेंगे तो देखो ऊपर छः एकम छः, इधर तीन को तीन से मल्टीप्लाई किया तो नौ, इधर पाँच को दो से मल्टीप्लाई किया तो दस। बताओ ये मान आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 अनुपात 9 अनुपात में 10। क्लियर है। और मान लीजिए कि यदि हमको इस तरीके से दे रखा हो कि यदि अपन को दे रखा हो कि यदि यदि ए बटे में तीन बराबर बी बटे में चार बराबर सी बटे में पाँच हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा। क्लियर है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ध्यान रखना ऐसी अवस्था में आपको कुछ नहीं करना होता है, जो बटे में मान दे रखा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी इनका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, तीन अनुपात चार अनुपात में पांच, तो बताओ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं परिवर्तित कर दूं, जैसे यहां लिखा मैंने कि यदि यदि 2a अपॉन में यहाँ 3 बराबर b अपॉन में 4 बराबर c अपॉन में 2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर में क्या होगा। तो ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, जैसे अभी हमने देखा तो हमने सीधा मान लिखा कि ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो हमने पिछले वाले प्रश्न में क्या किया था, पिछले वाले प्रश्न में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल है, क्या
कि भाई यहाँ ऊपर सीधे मानते ए बी सी, तो मैंने आपको सीधा बताया कि इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 2। लेकिन अब की बार तुम कहोगे कि यहाँ पर 2 है, इसका क्या करेंगे? तो देखो अपन को कुछ नहीं करना, ऐसी अवस्था में जो भी मान दे उनको पलट देना है, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये 2 जो है वो बताओ किसके नीचे आ जाएगा, 3 के नीचे, यानी 3/2। क्लियर है? अब सभी के बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है, अपन ने 1 मान लिया, 2 के नीचे भी कुछ नहीं है तो अपन ने 1 मान लिया। और आपको पता है कि ऐसे अवस्था में हम हल कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो भाई एलसीएम क्या आएगा, 2। तो सबको 2 से गुणा कर देंगे, तो यानी इसको भी 2 से गुणा और इसको भी 2 से गुणा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ यानी यहाँ तो बचा 3, यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में क्या होगा, 3:8:4। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, यानी सबसे पहले अपन बेसिक देखेंगे अनुपात समानुपात का, फिर धीरे धीरे हम इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, क्योंकि हमारा जब बेसिक क्लियर होगा तो जैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक होता है इसमें वर्गानुपाती, एक होता है वर्ग मूलानुपाती। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ए और बी, ए का मान है 2 और बी का मान है 3, मैं आपसे कहूँ कि बताइए इनका वर्गानुपाती क्या होगा, यानी वर्गानुपाती क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, अपन को सीधा वर्ग कर देना है, तो बताओ 2 का वर्ग होगा कितना, 4, 3 का वर्ग होगा कितना, 9। क्लियर है? ऐसे ही मान लीजिए अपन को यहां दे रखा हो कि ए अनुपात बी और ये है 4:5। क्लियर? तो अपन से कहे कि बताइए इनका घनानुपाती क्या होगा, तो 4 का क्यूब, तो बताओ 4 का क्यूब क्या होता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब होता है कितना, 125। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लो अपन को ऐसे दें कि 4:9। क्लियर? जैसे यहाँ देखो, जैसे इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, ए अनुपात बी, ये दिया इसने 4:9 और अपन से पूछे कि बताओ इनका वर्ग मूलानुपाती क्या होगा। तो अब की बार देखो वर्ग मूल लग गया, यानी वर्ग मूल अनुपाती, तो 4 का वर्ग मूल निकालेंगे तो 2 और 9 का वर्ग मूल निकालेंगे तो 3, यानी वही क्या आया, 2:3। ऐसे ही अगर इनका यानी घनानुपाती दे रखा है और इनका घन मूल अनुपाती पूछेगा, तो यानी इनका घन मूल अनुपाती जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4:5। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब अपन को इस तरीके से दें कि 2:4 का मध्यानुपाती क्या होगा, यानी हमको मध्यानुपाती ज्ञात करना है किसका, 2:4 का। तो देखो मध्यानुपाती अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो 2 ऐसे कैसे लिखा, फिर इसके बाद अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4। क्लियर है? अब यहाँ पर यानी पूछा हमसे क्या है, मध्यानुपाती, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक बार अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद में ये जो 4 है इसको अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे लास्ट से लास्ट में, क्योंकि हमको ज्ञात करना है मध्यानुपाती यानी बीच का मान क्या होगा। तो बीच का मान हमको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर बीच का मान मान लेते हैं अपन क्या है, एक्स है, फिर इसके बाद में ये समानुपात का क्या लगेगा, चिन्ह, और इसके बाद में भी यहाँ क्या होगा, एक्स, ये ध्यान रखना। क्लियर? और फिर लास्ट लास्ट में हमारा 4 है ही, तो ये 4 हमने यहाँ लिखा। क्लियर है? अब देखो इसका अपन यानी क्या करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो भाई x को x से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4:2। क्लियर है बात यहाँ तक? लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर इस तरफ हमें अंडर रूट करना पड़ेगा 4:2 का। क्लियर है?
अब देखो x बराबर भाई चार का वर्गमूल निकालेंगे तो दो, तो दो आ गया बाहर और दो हो गया हमारा रूट के अंदर, तो टू रूट टू यहाँ हमारा क्या होगा, मध्यानुपाती होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एक और अपन देखें, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि चार व नौ का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक, तो चार वे नौ का मध्यानुपाती यानी चार लिखा, फिर ये अनुपात का चिन्ह लगाया और मैंने आपको बताया कि बीच वाला जो मान होगा उसको दो बार लिखेंगे, एक बार इस तरफ एक बार इस समानुपात के बाद में। क्लियर है? तो ये एक्स मान लिया, फिर लास्ट में अनुपात में नौ। अब वही हमारा मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल, तो एक्स को एक्स से गुणा किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर नौ को चार से गुणा करूंगा तो हम छत्तीस, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो 36 का क्या निकालूंगा हम अंडर रूट, तो बताओ x बराबर अगर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 6, तो यानी हमारा यहाँ मध्यानुपाती जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। अब देखो क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ, आप चाहे तो एक फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं कि कभी भी अगर आपको क्या ज्ञात करना हो मध्यानुपाती, ठीक, तो मध्यानुपाती अगर आपको ज्ञात करना हो तो मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक, ए का मतलब पहला वाला मान और बी का मतलब अंतिम वाला। जैसे यहां लगा के देखूं तो मध्यानुपाति ज्ञात करना है तो अंडर रूट ए का मान हो गया भाई कितना चार और बी का मान हो गया नौ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 36 और 36 का वर्गमूल मैं निकालूंगा तो क्या आएगा 6, तो बताओ यहां भी हमारा जो मध्यानुपाति है वो क्या आया 6। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, मध्यानुपाति निकालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमने देखा कि मध्यानुपाती किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो यहां जैसे मैं आपसे कहूं कि चार व आठ का तृतीयानुपाती क्या होगा। क्लियर है? यानी अब की बार यहां हमें मध्यानुपाती नहीं निकालना है, क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो ध्यान रखना हम तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, तो देखो चार अनुपात, अब की बार तृतीय अनुपाती जबकि पिछले वाले में मध्यानुपाती था इसलिए बीच वाला मान माना था, ध्यान रखना यहां बीच वाला मान अब अपन को नहीं मानना है, तो यहां इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो यहां हम इसको लिखेंगे आठ को, फिर इसके बाद में समानुपात का चिन्ह और यहां जो लिखेंगे उसको वापस फिर एक बार लिखेंगे यानी आठ, यानी ये वाला जो लास्ट का मान होगा इसको हम दो बार लिखेंगे, एक बार समानुपात के इस तरफ और एक बार समानुपात के बाद में, फिर उसके बाद में लास्ट ही लास्ट का मान हमने मान लिया कि तृतीय अनुपाती क्या है एक्स है। अब तुम कहोगे कि यहां तो तृतीय अनुपाती लिखा है जबकि यहां हम देखेंगे तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब चतुर्थानुपाती। ध्यान रखना तृतीय अनुपाती इसी तरीके से ज्ञात किया जाता है, यानी ये वाला मान जो है वो हम दो बार लिखेंगे ये वाला जो है। क्लियर? अब वही हमारा नियम रहेगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये हो गया 4x बराबर 8 गुणा में 8, तो 4 से कटेगा कितनी बार, दो बार, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, तो बताओ हमारा जो तृतीय अनुपाती है वो क्या हो जाएगा 16। क्लियर है? तो इस तरीके से मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती हम ज्ञात करते हैं, मध्यानुपाती में बीच के मान को दो बार लिखते हैं, ठीक, यानी x जो मानेंगे उसको x एक समानुपात से पहले एक समानुपात के बाद में, जबकि तृतीय अनुपाती में ये जो मान होगा इसको कितनी बार लिखा जाता है, दो बार, और ये तृतीय अनुपाती नाम देखो इसका तृतीय अनुपाती है, और वैसे कौन से नंबर पे आ रहा है ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो ये अनुपात समानुपात की कुछ बेसिक चीजें थी, अब हम धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चनों की ओर आते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो अपना जो लेवल है वो अपने आप बढ़ता जाएगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये मेरा वादा है, बस आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए रहना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संसार का अगर सबसे आसान सब्जेक्ट है तो वो है क्या, मैथ, मैथ के सिवा कुछ आसान होता ही नहीं है। और मैथ को सीखने के तीन ही मूल मंत्र हैं, पहला तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है और तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, यानी हमारा मैथ के प्रति आकर्षण ऐसा होना चाहिए कि मैथ के सिवाय कुछ हमको दिखाई ना दे। दूसरा तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा,
ऐसा नहीं है कि अभी अपन पढ़े हैं और फिर शाम को अपन को पता ही नहीं कि अपन ने कहाँ पढ़ा था और सुबह जो रद्दी वाला आया उसको नोट्स रजिस्टर जो भी आपने बनाया वो बीच दिया है, ठीक है। और तीसरा, अगर ये दोनों अपनाने के बाद भी अगर मैथ आपको समझ में नहीं आए हैं तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जाने कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्लियर है? तो ये अनुपात समानुपात का हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे और हर क्लास में आपको रोज 10-10 क्वेश्चन अपन करवाएंगे। धन्यवाद।